विनोद कुमार जी आए, मंटू भैया जी का स्वागत करें। नौजवान साथी रह गए हो तो कृपया आए और मंटू भैया का स्वागत करें। अब लगता है हमारे सभी साथी मंटू भैया का स्वागत करके थक गए हैं, इसलिए हम खुद राम मसीह राम आप सभी जनता के तरफ से हम मंटू भैया का स्वागत करेंगे। आप सभी जनता के तरफ से हम स्वागत करेंगे। मंटू भैया जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम सुशोभित करने का काम करते हैं। हमारे जवाहर साहू जी सचिव के पद को देखने का काम करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के राम लगन साहू जी व्यवस्थापक को, व्यवस्थापक सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था का शब्द होता है, उस पद राम जी मंच पर आसीन है। अशोक राम जी हमारे साथ आए हुए सभी नौजवान साथियों इस गांव में उपस्थित, आने वाला कल जो हमारे सामने बैठे हुए लोग, इन्हीं के भविष्य को सुधार के लिए जो विगत कई वर्षों से हम लोग गुजर रहे हैं, सोचने की से कटुता के रूप में लोग से मिलने जुलने का काम छोड़ देने का काम कर रहा है, उसी समाज को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए एक समरस समाज की जरूरत है। और उस समरस समाज के लिए मंटू कुमार विक्रम विधानसभा के हर गांव में जाकर, पटने जिले के हर गांव में जाकर हर नौजवानों को समझाने का काम कर रहा है, हर बुजुर्गों से कर चलिए कि तकदीर लकीर, किस्मत का तकदीर, किस्मत का लकीर और कर्म का लकीर भी यही हाथ है जो आपके शरीर का भी महत्वपूर्ण अंग में माना जाता है। आज देखिए देश में तीन ही पद सबसे महत्वपूर्ण पद है, यही तीन पद से पूरे देश चलता है, पूरे समाज चलता है, या हर विकास की बात होती है समाज की बात होती है। देश में लोकसभा स्पीकर के पद, अगर यहाँ बहुजन समाज किस गांव में भी आबादी है, बहुजन समाज मतलब जात नहीं जमात चाहिए, मुझे जात नहीं जमात चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ चाहिए, तभी इस देश का तकदीर, इस बिहार की तकदीर, इस गांव की तकदीर बदल सकता है। यहाँ झूठे आवाजें करने वाले, झूठे विकास की बात करने वाले, काम हमारा, नाम तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, हम लोग नहीं चलने देंगे। किसी के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी काम कर रहा है। एक कांग्रेस का सिपाही मंटू कुमार भी उसी में काम कर रहा है जो आदेश होता है। हर जगह सरकार झूठे वादे उसी के साथ चलेंगे, जहाँ जमात की बात होती है, समाज की बात होती है, जात की बात जहाँ होती है, मैं वहाँ चलने का काम नहीं करूंगा। अभी एक नया 42 न्योता आज हमारा है, जिसमें चार स्टेज का भी प्रोग्राम करने होता है। 11 बजे से मैं आपका काम कर रहा हूँ। किसी को भी कोई समस्या है बेहिचक फोन से बात करे, 9 बजे तक मैं रोज घर पर रहा करता हूँ। मंगल के मंगल विक्रम पूरा है। नौजवानों, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर फेंकने वाले की बाजुओं में दम होनी चाहिए। ए नौजवानों जागो, उठो, इतिहास बदलने की जरूरत है, दबे कुचले शोषित समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। विगत पीढ़ियों भी दरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो इस गरीबी के दलदल में जीने का काम कर रहे हैं, आने वाले कल के भविष्य को सुरक्षित चाहते हो, एक नए इतिहास बनाने का काम करो, नए सत्य के साथ चलने का काम करो, तभी समाज का उत्थान होगा, समाज आगे जाएगा। गरीब दल तो सुनाना है, छोटकी कोपा में 8:30 बजे मेरा प्रोग्राम है। एक बात कह के मैं अपने वाणी को विराम कहता हूँ कि कांग्रेस मेरी माँ है, सेवा मेरा कर्म है। कांग्रेस मेरी माँ है, सेवा मेरा कर्म है। हमको क्या मालूम कब सुबह और शाम है, हमको क्या मालूम कब सुबह और शाम है,
सर आपके दर पर मैं रख दिया है, आबरू रखना आपका काम है। यही कह के पुनः सबको अभिनंदन स्वागत करते हुए, सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, माताएं से आशीर्वाद लेते हुए, नौजवानों से प्रेम करते हुए, छोटे बच्चे से प्यार करते हुए, सबको एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए प्रणाम सलाम नमस्कार करता है। भैया जिंदाबाद, मंटू भैया जिंदाबाद। आप मंटू भैया के साथ जाकर और मंटू भैया के यहाँ अपनी समस्या को बताएं, आपका समस्या मंटू भैया जरूर ही पूरा करेंगे। इसलिए अब मंटू भैया को थोड़ा टाइम नहीं है और कहीं जाकर जाना है, इसलिए Yeah.
हमारे डांसर जो हैं, जो 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 अभी हमने अंदर गए हैं, हेलो हमारे जो डांसर हैं कृपया करके स्टेज पर आ जाओ। हेलो शांति बनाए रखें। और जो हमारे डांसर हैं वो कृपया करके शादी का गीत गाए। हेलो हेलो यार एकदम जरूरी बात है आज शांति बाहर भूषण को विराल करके चले जाएंगे। बात है जिसका बाप की यार शादी के बाद भी चल चलन अगर ठीक ना है जब से शादी हो मारे मार दे तहना जकर बापे के चाल चलन ठीक ना है आगे आप पवित्र रहे होकर बेटी कैसे आप पवित्र होती है। हाँ ठीक है ना। हाँ पार हो जा लेकर। हाँ अरे जहिया ले गांव में रह ले ना तहिया ले गांव के ना चल गई यार अखंड
बुआ बैठिए आप, अब दुल्हा हैं, आप शादी कीजिए, आप बैठिए आराम से, आप बैठिए। आपका पिताजी है, आपका चचा बाबा आए हुए हैं बारात में, वो लोग को जो समझना होगा वो समझेंगे। बाबू आप बैठिए, आप कहे के लिए गर्म हो रहे हैं? पता चल चुका है नोटों के गद्दे? सही नहीं बाबू, शादी मैं कर रहा हूँ और रकम आपको चाहिए, मेरी जिंदगी का रकम अच्छी है या बुरी इससे कोई मतलब नहीं आपको। नहीं 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 दामाद जी, ऐसा बात अपने पिताजी से आप मत कहिए, मेरा इज्जत की बात है दामाद जी, मेरे बेटी को ऊपर देखिए, इस गांव में मेरा इज्जत है, मेरा इज्जत बर्बाद हो जाएगा दामाद जी। चंदी साहब आप अपने लड़का को तनी समझाइए। क्या है बताओ, क्या हो रहा, क्या हो रहा? लड़की बेचारन और आवारी है। क्या? मैं एक बेचारन आवारी लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। अरे कौन कहता है कि मेरी बेटी नालायक है, कौन कहता है कि मेरी बेटी गांव के लड़कन को लेकर निकल गया है, ये सब सारा गांव वाले मेरा दुश्मन है बाबू। नहीं नहीं बाबू ऐसा ना कहो, गांव का दुश्मन लगा है बेटा। हाँ कृष्ण बाबू, गांव का दुश्मन लगा है। चुप रहिए पिताजी, ये मेरा जिंदगी का सवाल है। कृष्णा बाबू, कब मैं इसका बेटी बहू का इज्जत लूं? आज मेरे दरवाजा से बड़ा तो वापस चला जाएगा बेटा, मैं ये गम नहीं बर्दाश्त करूंगा। कृष्णा बाबू मैं पगड़ी आपके सर पर लगा, बाबू दामाद जी अपने पिताजी को बुलाए, बाबू मेरे बेटी को देखिए। आप पवित्र हो, उसकी बेटी पवित्र कैसे हो सकती है? मैं जब नहीं बता सकता हूँ, मैं जब नहीं जाएगी। क्यों आप अकेले जा रहे हैं? गांव वाला है, गांव वाला जो नहीं जाएगी। नहीं जा सकती है पंडित जी। Thank you.
अंजू बेटिया सरकार अंजू बेटिया ने कूद कर जान दे दी जानवर से कुएं से बाहर निकले अंजू बेटिया मर चुकी थी
पुरबा कहीं के एहन लगा छतै कि त पूरा से कबर हते रामन पुरबा के कखनी जते कि कपटा भेल के पखड़ी मार सरकार।
सुनो, अरे बेटी तो बहुत अच्छी है रे। जी मालिक, बहुत भोली और नादान बच्ची है मालिक। चंचला, बड़े मालिक को प्रणाम कर बेटी। प्रणाम बड़े मालिक। खुश रहो। चंचला, अरे हम भी इंसान हैं, तुम डर क्यों रही हो चंचला? अरे मालिक क्या बात कर रहा है? अगर तुम्हें किसी भी चीज की तो सीधा मेरे हवेली में चले आना। हम मुझे रोटी कपड़ा और मकान सब देंगे चंचला। अगर यहाँ रहना है इस गाँव में तो हमारी बात अच्छी तरह से सुन ले, तो बेधड़क मेरे हवेली चले आना। भावा जी, समझाना जी, मेरा दम साथ समझ कर लिया जी। अच्छा तो ठीक है। ये लगान जी सरकार। अरे हाय बेटिया का तो के समझ के हई पत्ता में जवा के माफ हो गन तब के मार के फाड़ सुन मालिक। बाकी तनी सुन, ध्यान दे खूब समान। तोर सब मार लगान माफ कर दे ले, लड़का कलम से खसेट दे ले। अरे मैं थोड़ी भिखारी हूँ, जो मुझे मदद करेगा। बेटा प्रकाश, ये बड़े आदमी अपने मन मर्यादा के लिए जो मेरे बाल के ऊपर आंख उठाकर देखेगा ना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। सुबाला सेन, तुम बड़े आदमी हो अपने घर में, अरे मैं गरीब हूँ अपने घर में। चंचला, चल अंदर भोजन प्रेस, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बचाओ। बचाओ। हाँ हाँ, तो आप लोग थोड़ा दीपक भैया के दीपक भैया से परिचय लीजिए और कुछ अपना संवाद कहेंगे। ये बोले दीपक भैया के, दीपक भैया के, दीपक भैया जिंदाबाद, 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 दीपक भैया जिंदाबाद, 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 दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यह नगरी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह मेरा नगरी सुखी चैन रहे और आने वाले दिन में यह नहीं, यह नाटक की जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे हम लोग को एक प्रेम बनता है। देना चाहता हूँ यह नगरी का साधुवाद देना चाहता हूँ और माँ लक्ष्मी से मैं आपके लिए, सभी माताओं एवं बहनों के लिए मैं माँ लक्ष्मी से मांगूंगा कि आप लोग को जो आज खुशहाली की दिन है, हर घर में जय हिंद जय भारत। दीपक भैया जिंदाबाद, दीपक भैया जिंदाबाद। Thank you.
तुम मोगर है कि मर्दाना है? मोगर है? ना बताओ।
मर्दाना है, मर्दाना है। देख तो एकदम नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि तोर बड़का भाई बा हमें कृष्णा माँ वो ब्याह करके माओ के साथ परित हो कि ना कहीं के भैंसी चढ़ाओ एकदम मट्ठा खाही रोजे ब्याह कुछ तो करे ब्याह कुछ कर भैंसी चढ़ाबा हाँ रोज मट्ठा पिया है का पट्ठा हो लेके। अच्छा तो सुन ए भाई का एकदम सर पगला रुक रुक घर हम छोड़ देव कहला चिंता करे सुनता बड़ा ढंग है थे मतलब हम लोग गाय चला लेते हैं का तू जवान हो हम बका तो दली का जवान है तो का हम तोरा ब्याह करे के मन करे है कि ना अरे यही ना खूबी है तू भैंस चराला छोड़ आ जैसन भैंसी पर तू आशिक होल ओसिन तनु मेहारू पर आशिक होके देख कोची कर जाए ब्याह में। अरे मेहारू तोरा जब मिल गेल ना कैसा उसे गांव समाज दुनिया सब के छोड़ के जे लौके से तोरा मेहारू लौकबे करत बुढ़बक ढेर मेहनत है ओत्ता मेहनत हमरा से ना होते ना हो। अरे हम तोरा समझावे तक बात के अब हम बता रहे हैं तोरा का तू भैंसी चरा के आवे है ना जब तोर में हारू आ जतौ ना आ भैंसी चरा के अबे हाँ ओकरा बाद में हारू रात भर तोरा डेढ़ किलो तेल लगतौ। तेल लगतौ है अरे ते तो बड़ा बढ़िया बात है देख हमारे को दोस्त है एकर में हारू डेढ़ किलो रोज तेल लगावे है। ओ वही तो पर बड़वा चित्रानिया खटल है आ जैसे हम कहली औसे ही करला हम उसी चिकन हो जाएंगे हां एकदम चिकन हो जाबे नीचे से ऊपर तक तो तब तो घर ब्याह करना बड़ा बढ़िया बात है। बस बस आओ जे कही दुख से सुन हां तू ब्याह कर लेबे ना हां मरहारू तो रोज तेल लगो ओ अब हमर बोणा में बात अट गेलो बस अदा तो ठीक हो हम जाय दिन वही तोते बाबू के हम समझा दे ना ब्याह करत ना एकदम जाके तू ब्याह कर ले आज आज है हां एकदम मैया बाबू से जीत कर ना ब्याह करते थू ना हां तुमका कह ना कि हमारा भाई लिबरी बर्तन हमर बात लेकिन हमरा ब्याह कर आ बाबू देथिन डांट तो बाबू डांट देथिन तुमका कहिए ना कि तू बुढ़ारे में ब्याह कर लेला आ हम ना करम हां तो हम कटे के एकदम कर एकदम हम हां ए सुन अब जाय झुक हम ए हट ना ए ब्याह छोड़ हां अरे तुमका हम गांव के पक्का चुगल खोर ही हमारा मत कही है कि फलनावे कह कहू है ऐसे बात हट बेटा हम ए हम लूड़ है हां अभी तो हमर नाम ना ले सुन 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 तू जाइए पीछे हमर तो जाय नहीं तो रुक 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 बाप रे बाप तोर बाप इतना हो खतरनाक कि हमने तो मार के हंडिया बर्तन में खट्टा कर देता बात पूर्वक हवा में दावा करो हमरे सुन 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 ए भाई चल हमने ये बोरा हो ये अपन बप्पा से कह देता हूं मतरिया से कोहे बहका देला फिर तो हमने जाए तू समझ ले हमारा करवा हेलो हमरा ब्याह कर दो कर दो अरे कर दो हरबरो में हरबरो में हम तो मान के हम बस बस हम समझ गए कि कोई गांव किसको बिगाड़ दिया है अब इसको ब्याह कर अरे मत तू करवा भी हो कि ना हो जाओ मतलब ये अपना जन तरह से ऐसी है कैसे हम लड़की तरह खोज के लिए सबके तरह अच्छा कहने के लगे का बउआ का बात में
बुआ कहा है माधा कर अगर तो हमें बात मानना नहीं लगे तो फिर बात क्या बा हम कह दलू के पापा के हमरा बुझाई दे अच्छा हम बोलो ना इसको ब्याह कर नहीं में फायदा हवा हमनी के उसे बनाते जाला है ऐसे करके भी आओ हम तक कोची हम पैदल चलने में बनाती करके कहने दस को अब एकरा करिए दे में ठीक है हम ब्याह कर देले तो एक दोनों को घोगरा बाहर दबो पैदल जीवा कि बिहान अगर कह दे तू पहले एक काम कर हम जाए तू भाई दिया था आज तक तुरंत तो हम बिया कर के लिया समझ लो चलो क्या करो ले ले एकदम गिरा हमारी बारान नीमन है ये बोला ना बोला ना ना बोला अच्छा ना तो हम कुछ कुछ सामान ले लिए हैं बाबू मेरे हर लिए मैंने बोला ना हेलो अच्छा बाबू की बढ़िया ले ली है ले जूस खाब होगा माइक के साउंड ऑफ दीजिए माइक के साउंड एक लमचूस वो ना खा हाथी यहाँ तो रूम सलाइ गिरिया पीना देखा वहाँ में ठेका वाला तेरी झूठ बड़ा बढ़िया लग जावा पिये ना न जाए कहाँ तक अच्छा तो हम वहाँ ने फेर लेते हैं पिये फार कर ले लिया है ला ला यह खा कम से कम अरे अरे बोलबा कि ना बोलबा कि माथा हमारा गरम करबा पैसन मौकी ना लग सके बोलता हूँ ना हतन माथा गरम करबा खिसिया का हम बोला ना माथा हो सब हम गरम कर दे जीवो पहले हम बाबू मैया के सब अजबे ना करी अब तोरा हम समझ लेबो बोलबा कि ना बोलबा क्या बतावा बोला तने कैसे पुतोहिया के तू मारी दिलाए बाबुआ अच्छा कुल्लट अब पोटी में हाथ वाला गा बाबूगे बाबूगे ये चौला सिंह है क्या चाहते हो तेरी जवानी शर्म नहीं आती है ची 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 एक भाई इंसान दूसरा शैतान चंद्रा फोन चंद्रा तुमको मेरे गिरोह में आना पड़ेगा अगर सीधी तरह से नहीं आओगी तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा तुम अच्छी तरह से जानती हो चोरी की संघ के नाम से धरती कांपती है नसों में दौड़ता हुआ खून चलो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अरे उसमें और मुझ में फर्क ही क्या है अरे चाहे वो है या मैं हूँ दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में भाई हैं लेकिन सुन चंद्रा चौला सिंह जिसे चाह बैठता है उसको पाकर ही छोड़ता है अरे खास हुक्म करे सरदार अरे इस छोकरी को समझाओ इसको मेरे गिरोह में रहना ही पड़ेगा
छोड़ दो मेरा रास्ता। अरे छोड़, चल चल चल, छोड़ दो। अब तुम्हें हमेशा के लिए रास्ता बंद हो चुका है। अरे घबराती क्यों हो चंचला? और तो हम लोग के साथ ही रहेगी, सरदार की रानी बनेगी रानी। अरे मैं, हम लोग तो तुम्हारा गुलाम। फिर मुझे कानून समझाना। अगर कानून मेरी आवाजों से डरती है तो सिग्नल से डरती हो, जब धुआं निकलता है ना, जब गोली छूटती है तो धुआं में उड़ जाती है कानून। देख तो खुशी से लोग शराब पीते हैं, तो पानी के लिए तो किसी को फुर्सत नहीं मिलती। अरे पाने के लिए तो मैं तुझको कभी के। अब तो तेरी बहन ज्वाला सिंह की रानी बनेगी रे। अब तक तूने ज्वाला सिंह का बाहरी रूप देखा है, अब भीतरी रूप भी देख, कितना घोपनाक और कितना खतरनाक है। अरे सरदार के चमचे, अरे तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है घर में, खबरदार। मेरे बहन रहम करो भैया, रहम कर दो, रहम कर दो भैया, ज्वाला भैया माफ कर दो, हमें छोड़ दो, जाने दो भैया। राम करो भैया, छोड़ दो। तो ठीक है, जा, अब जा, अब तो जो होना था हुआ लगा था, चंचला अब चल चुकी है, अब जो होना था हो गया। चलो सुन प्रकाश, ए कुत्ते, अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो फिर दोबारा ज्वाला सिंह से टकराने की कोशिश करना। चलो साथी हो, चश्मा तश्मा लगा के आगे ये बोले आगे है, लगा हमर जतरे खराब है, फिर इतनी बकरी भैंसी चरावे तो देख नहीं बोले से राइफल के आगे मालिकवा। आगे के बात बता हमरा, ये दो बात है, दो बात यही हो, चाहे तो दम्मा हो, यदि दम्मा हो तो कोई बात ना, कैंसर हो तो दो बात, पूरा बात ही तो दो ही बोला, तो दो बार होता तो जो रहे थे क्या बताया जा रहा था। ऐसा ही हमारा टाइम उतना ना है, अपना एक घंटा जाने में हमारा उतना भी है, भाई जाए ना लेट होते हैं। जरो आ रहे हैं बड़ा ले आता है, तो फिर तो तू करा लगा। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक, ना बतावे ना। अच्छा बता, हां तो बताओ सही से। Thank you.
तू चोर डाकू नहीं हो तो इस सेठ के पास क्यों आए हो? बोल। कल तक मैं दूसरे से डरती थी, अब लोग मुझे नगीना, अब ज्वाला सिंह की मलका है और उसकी सरदारिन है, आप जो भी इस नगीना से हाथ मिलाएगा, जो भी नगीना से आंख मिलाने की कोशिश करी तो नगीना जिसे डस लगी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये नगीना नोटों की गद्दी पर सोती है और सोने चांदी की बिछावना करती है और बंदूक की गोलियां की तकिया करती है। तू कौन है के? ये तो बड़ा देखे में अच्छा लगे थे, ये अकेले अकेले कने छमक चले। जमाना ने मुझे ज्वाला ले तोड़ा, तू भी खा पी ले। बाबा अरे पीता ही रहेगा या मालिक से भी कुछ बात करेगा? बाबा हवेली का क्या हाल है रे? तुम्हारे छोटे सरकार आजकल कहाँ है? देखो मेरे सर तो मौड़ी है, मेरे शादी का रंगीन मौसम का आनंद उठाने दो ज्वाला भाई। सहनाई बंद हो चुकी, अब तुम्हें जाना है। हरामजादे कुत्ते, तूने मेरी घर से बारात वापस करवाई और तूने तुम्हारा बारात सजाई, इसलिए ले अपनी सजा मौत। देखिए यह एक नदी है,
और नदी के इस पार जो है यहाँ चंबल घाटी है और ठीक उसी पार नाम सुनते ही लोगों के गर्दन सीधे हो जाते हैं। गुनाहगार और बेगुनाह इंसान मजनून से कांपने लगते हैं और ये सुनाते हुए मत आए। अरे अभी तक तुम पगदर सिंह को नहीं जानती हो। अरे इस चंकर के घाटी पगदर सिंह के नाम से कांपती है। कहाँ रहता था? अरे जब से मैं होश संभाला हूँ पगदर सिंह, और भी तुम्हारे गिरोह में कोई है? सरदार मेरा भी एक गिरोह था, कुछ मारेगा कुछ लाचार होगा और कुछ आत्मसमर्पण कर लिए और सिर्फ मैं ही अकेला बच गया हूँ सरदार। तो आज तक तुमने कभी ज्वाला सिंह का नाम सुना था? नाम तो सुना था परंतु देखने का मौका नहीं मिला था। मेरा गिरोह में आएगा? मुझे कोई इतराज नहीं सरदार। शाबाश, आज से तुम मेरे गिरोह में शामिल हो गए हो, लेकिन नमक हरामी कभी मत करना नहीं तो कुत्ते के मौत मारे जाओगे। अरे कुत्ते की मौत तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सरदार। अरे घर ज्वाला सिंह को ले जाओ, पगर सिंह को ले जाओ और इसका ग्रोह का सारा रीति रसम बढ़िया से समझा दो। हरि नाम जपो, जय गोविंद, नारायण 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 नारायण। हे प्रभु, यहाँ तो गोलियां की आवाज छूट रही है। ये साधु महात्मा के लिए जगह ठीक नहीं है। हरि ओम नारायण 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 नारायण। तुम लोगों को खून करते करते आंखों पर पत्थर बंधा गया है बच्चा घोरनाथ। तू ज्वाला सिंह है ना बच्चा? वरना गोली सीने से पार हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद इस घाटी में जिंदा आदमी नजर आया है। खबर हिलने की कोशिश नहीं करना साधु। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हें बर्दे से नहीं पता नहीं लगता? अच्छा तो आप ही पुलिस इंस्पेक्टर चंद्र सिंह है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम्हें जरा से भी डर नहीं लगा एक वर्दी वाला के सामने इस तरह से पेश आते हो? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर चंद्र सिंह। मुझे खून कर दिया सरदार। मैं करा किसी तरह बच के वहां से निकल पाया सरदार। पकड़ कहा है टेकू सिंह? अब क्या होगा सरदार? सरदार मुझे तो मालूम ही नहीं कि पगदर सिंह कहाँ है। अरे पहले यह पता लगाओ कि पगदर सिंह कहाँ है, कहीं वो पुलिस के पंजे में आ गया या सारा पीठ दिखा के भाग गया। सारी पुलिस चंचला का टक्कर लगा रही है। पुलिस 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 सामने, पुलिस के सामने मैं चिंता नहीं, ज्वाला सिंह का मुर्दा जाएगा शरीर।
पुलिस मुझको जिंदा पकड़ सकती है सरकार, जब तक चाचू सिंह के हाथ में बंदूक है उसको आगे पुलिस नहीं आ सकती। मजबूर पढ़ लूंगा लिफाफा फाड़ कर, पुलिस को देख लूंगा बंदूक किनार पर। साथियों, अरे नगीना तुझे बहुत पिला लिया रे, और अब नगीना के हाथ से कभी जीवन में पीने का इच्छा मत करना। नगीना चावस नगीना, अरे तुम तो अनपढ़ गवार होकर इतनी तेज बुद्धि रखती हो, और मैं पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं कर सका। अरे अरे जल्दी करने रे, एक बंदूक मुझे दे दे और बाकी सब अपने कंधे पर डाल ले। अरे आपके खबरदार, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं नगीना, बग्गर सिंह तू कहां था, यहां कब आया तू? अरे आज मेरा इंतकाम पूरा होगा ज्वाला सिंह। कैसा इंतकाम, कैसा इंतकाम बग्गर सिंह? अरे बहुत नाइंसाफी बतियाता है, चुपचाप नगीना को तुमने ना इस गिरोह में लाया है। अरे आज तक नगीना नागिन की तरह दस्ती आई और अरे बकर क्या कर रहा है? हिलने डोलने की कोशिश मत करना वरना गोलियों से भून डालूंगा। अब तुम सब लोगों का खेल खत्म हो चुका है। अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है, आत्मसमर्पण कर दे, फेंक दे ये बंदूक, इसी में तुम सबों की भलाई है। अरे बेबस लाचार नगीना को इज्जत बर्बाद किया है। अरे मेरा इस रूप में लाने का तुमने कानून का साथ दिया, हम कोशिश करेंगे तुम्हें कम से कम सजा मिले। शाबाश प्रकाश, तूने कानून का साथ दिया है। इंस्पेक्टर चंद्र सिंह आपकी बाबादारी और ईमानदार पुलिस वालों के लिए इस देश पर गर्व है। नगीना
तुम्हारी बहादुरी तक काबिले तारीफ है। क्या रे? अब क्या देखेगा? जाओ, अब तो कलेजा ठंडा हो गया ना, अब तो खेल खत्म हो गया। जाओ, खेल की हवा खा, चलो।
आप वो लोग तो कोशिश भी नहीं कर, आप जहां भी चाहे तार की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था वो पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप उनका वचन उनके अनिल भैया जिंदाबाद, 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 हमारे विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने सदस्य ने कृपया स्वागत करें। अभी आप लोग हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष श्री राम लगन साहू जहाँ कहे भी हो आके हमारे माननीय विधायक का स्वागत करेंगे। इस लक्ष्मी पूजा के अध्यक्ष श्री जवाहर साहू आप जहाँ कहे भी हो आप आके विधायक जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे विनोद राम जहां भी हो स्वागत करेंगे, अशोक राम, कृष्णा मास्टर जी, शंकर पंडित, मुकेश यादव, अशोक राम, कृपया आप लोग स्वागत करते जाएं और स्टेज के खाली करते जाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ में बहुत साथी लोग जो है विधायक जी का गांव गांव बिजली तरवाने वाले जैसे डॉक्टर होते हैं दवाई तरवाने वाले हॉस्पिटलों में, वैसे गांव गांव बिजली तोड़ाने वाले एक डॉक्टर हमारे अनिल शर्मा जी आपके पास आए हुए हैं, इसलिए मैं आप अनिल शर्मा जी से अपने माननीय विधायक जी से गरीबों के मसीहा जी से अनुरोध करूंगा कि इस कमेटी के और आए हुए जनता को माताओं बहनों बुजुर्गों को आप कुछ संदेश सुनाएं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के सभी मंच का संचालन कर रहे भाई रामाजी जी, मंच पर उपस्थित कृष्णा जी, भाई पिंटू जी, विनोद जी गोपालपुर गांव से आए, आपको बधाई भी दूंगा कि आपने इस देहाती क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने कराया, तभी कार्यक्रम करने का उद्देश्य सफल होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका विकास होगा, आपका जीवन शांति में बीतेगा, यह मेरा शुभकामना है। अगला बार जो चुनाव आएगा उसमें नवापुर का पूरा प्रखंड का पूरा गांव विक्रम विधानसभा क्षेत्र में आएगा, लेकिन मैं चुनाव के पहले ही शायद ही कोई गांव बचा होगा काम करने के प्रति मैं समर्पित रहा था और उसी का नतीजा था तालमेल नहीं था और मेरे स्वजातीय चार उम्मीदवार थे, मैं लोजपा से था, भाजपा से सिटिंग विधायक थे भाई राम जन्म शर्मा जी और बसपा से थे मज्जात पात और दल से ऊपर उठकर मैंने अपने चुनाव का रियल जब देखा एक खास कलाकार है, आइए
अब आप लोगों ने अपने माननीय विधायक का वचन, जो वचन आपको देते हैं वो कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए जो दायक यदि कंठ बसहू सारे स्वती माता गौरी सदा भवानी दाहिनी किसन मुख रहे गणेश, सदा भवानी दाहिनी किसन मुख रहे सदा करहूं कल्याण, यदि जय जय माता जगदम्बे की सदा करहूं कल्याण, एजी पद पंकज श्री नायक माता अनाट करूं बक्का सुनहू गुहार गोसैया, एति केवल आज तुम्हारी ये माता अपार लगा दो रखो प्रभु मेरो रचवैया, एक खेल करूं मैं सती बिहुला की अपन चुके सब जिला हमारा we
पंचयार्गो
तैयार ए जी दूसरा पर ये तीसरा परिणाम है गावा तू नहीं गए जा ना ओ कि मिया हो जानिया अमैया मोरे भगवान के नाम से तुम जाना जाए जी जान के तुमको श्राप देता हूँ तुमको भी सूरजपुर में जाना है और अरे बात छोड़ो जल्दी करो हमको सुन ले गुरु जी ना तो बिनो पी जा भाई बदमाश शराब नहीं शराब 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 जल के भस्म हो जाएगा पिताजी दुल्लो हम एक दिल में लालसा लगा है पिताजी मैं अकेले जाऊंगा ऐसा हम चलते हलता आपके बहुत ताकत मिला था पिताजी हमें लगा हुआ
देवी माँ हम कुछ न कर लिए घैला उठावे कह लिए घैला गिर गए देवी माँ प्रणाम
क्या बोली, क्या कहती है तुम? चेला जी, अरे चंदू सेठ कहाँ है? वो तो गुरु जी हाथे कांगा हो मां हालिया। ठीक है चला चलो। अरे हम तो इस विषय चंद सिलसिला में चल चुके हैं। पारल जवानी बोला
राजा। तो पांडे जी ये पांडे जी, अरे जादू जी तोहरो विचार बोली अपने। हम तो हल्का कम ही सुने। अच्छा हमरा लगा है कि एगो बात बतावा यार, का हाथी ना? हाँ बहुत उनका उनका ही हम 50-5 लाख के ना गए। सुनो कहो ना, ये बतावा ठीक ठाक करके चले ले, ठीक है ना? लेकिन ओकरा में एक के गो है ना, जो मछलियां लेके अली है वो बनावे ला है सत्य बिहुला बुन्नी के, ठीक है? ओकर नौकरवा का इशारत कहला कैसे सुन ली कि मछली बना के आ लड़का के खिलावा तभी ओकरा से शादी हो, ठीक है? मछली दे दो, मछली दे दो। हाँ मछली हम लिया कर रख देते हैं, बना के खिलवा देते हैं, ठीक है? तो मछली तो ला के रख दिलिये पोखरा में, डाल दिलिये गनवा में। आओ कुछ रहा ले दिया बेटी सकती। भोजन तैयारी है, तो भोजन कर लीजिए। हजूर लोहे के मशीन तुमका मछली खाने के लिए कहे के तुमका हजूर का तलाब बनवा देंगे, एक भी सुना नहीं लेंगे। दो तारीख का दिन पक्का, पक्का पक्का काम कर दो धावा। सुनो गावले 12 लाख गंदर के शादी होगा, दो नाम से होगा,
बजा दे बाबा कान्हा। नाव से सारा ना होए थे कखनी काम लगा बा पटवा जो अलग से टांगल में और खोले में लेट हो गया खजूर देखा आज बार माफ हवा दिन से ना होता खजूर सुना है वो बात हवा बोली जैसे राजस्थान का दिन है ना। जय भवानी आई धामा इतना कड़ा शासन देले है कि 15 से 20 दिन में जल्दी से जल्दी दीवार उठा करके एक को ठोक कानू एक छेदना चाहिए एकदम पैक दीवार चाहिए। अरे करी चलाई की पेट खाली गुरु जी के माफ करे गुरु जी। नहीं माफ क्या करेंगे ना गुरु जी पेट हमर लाई तक उल्टा लेते हैं गुरु जी। अरे सुनो मिस्त्री का गुरु जी अभी हम तुमको ठीक कर देंगे। हाँ गुरु जी ठीक लेकिन ये को सुरत छोड़ना है गुरु जी हमारा पेट बचा। आप छोड़ दे बा छोड़ तो बस छोड़ दिया जरूर अगर ना छोड़ बा ना तो हम सके हम जान ना छोड़ा अपना ठीक है मिस्त्री हम जा रहे हैं अपना जाए हम छोड़ दे। तो ना कहा जी गुरु महाराज के
के बनाए पड़ते हैं हजूर। ठीक है हजूर, तो सुना दीजिए हजूर। राजा साहब को लेकर के शादी है। हाँ तो ठीक है, खुशी का बात है। कहाँ से आवा तनी जी? काशी से। अरे बाबा यार काशी से। ए बाबा तू ऐसा ना बाबा, वो काम करवा वहाँ का। अरे खेतावा दर्शन बतारी के बाद ऐसा पंडित जी के बाद सुना पांडी सुना पांडी लड़के, लड़के
से हम पंडित साधे के आवे लेके गाने सुनेगी आज बन्ने मोदा में अमृत मार समा संग्राम रूप नमा नमा से तो यम बक्रोप नमा चंद्रम सर्वतम बंदते हाँ बताइए सब कुछ करे जी पर रुपया चढ़ाइए आजाओ गणेश जी पर रुपया चढ़ाइए जी पंडित बहना तो लोग एक ब्याह करते एक बार दू गो ही करो हम क्या करें गंधारम तो हम क्या करें फिर गंधारम इसको ना
तो हम तोरे ने कह दुआ भाई बुड़बा के तू बुड़बाको से बुड़बक तू है कह रहे हैं कि लड़की का औखा धरिए तो हम तो पंडित जी के कहे थे अच्छा छोटे मालिक मैं कैसे हूँ काम है देख हमू ने लगल चुना ही हम लगल ठेपा मार देव हम शादी करे तो हम ना दे ना कट जाए और बिहान भेला अमर बना ली अपने पति के आप मुझे नींद नहीं बता सला रानी नहीं
पिहुला भी सीख गए। अब हम न्यूर बिलार फिर पहाड़ा करो बागे। अब नागिन के बुलाए और बाला के डस के अपन बदला ले। सुना भूता सुना